साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड, मलेशिया में स्थिति क्या है, लॉकडाउन के रिलेटेड बात करेंगे, इंडिया कैसे आ सकते हो, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंक्वायरी मिलती रहे। कि जो अपडेट निकल के आ रही है 3,000 से 4,000 के करीब विजिटर्स जो यहाँ से वहाँ घूमने के लिए गए थे, उनका पर्पस नहीं था कि वहाँ पे काम करें, सिर्फ विजिट में गए थे घूमने के लिए, लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए और उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने उनको व्यवस्था करी है अलग अलग रहने के लिए, होटलों में या फिर गुरुद्वारों में या फिर अलग अलग जगह उनकी व्यवस्था की है इंडियन एम्बेसी ने। आगे गवर्नमेंट ने साथियों संकेत साफ साफ दिए हैं कि भाई अब जो इलीगल वर्कर वहाँ पे मलेशिया में रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली कोई भी हो, उनको पकड़ना धकड़ना बिल्कुल अभी बंद है, ऑपरेशन सब स्टॉप किए हुए हैं। उनको पता है अगर पकड़ लेंगे तो इनको खाना खिलाना पड़ेगा, इनको चेकअप कराना पड़ेगा, यानी उनके ऊपर सरदर्दी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने अभी ये जो इलीगल जो ऑपरेशन था अरेस्टेड वाला, वो सिस्टम अभी बंद कर रखा है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2020 में बंद ही रहने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि कोरोना का असर इतना ख़त्म नहीं होगा, फिर पकड़ के जेल में डालेंगे, तो उनको भी ये बात समझ में आ रही है। तो वो एक बार बोल रहे हैं कि भाई हम ये सिस्टम अभी क्लोज कर रहे हैं पकड़ने वाला, तो अगर आपको जॉब वॉब अगर मिलता है लॉकडाउन जैसे 12 मई को ओपन होता है तो आप जॉब कर लीजिए, पकड़ने वाला सिस्टम एक बार स्टॉप रहेगा और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है पूरा 2020 तक स्टॉप ही रहने वाला है। आगे न्यूज़ निकल के आ रही है अगर आप इंडिया आना चाहते हैं, इलीगल वर्कर हैं, आपके पास पासपोर्ट वीज़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जैसे ही इंडिया की तरफ से मान लीजिए एयरपोर्ट ओपन हो जाते हैं 3 मई के बाद में, इंडिया की अगर फ्लाइट जाती है मलेशिया, तो उसमें आपको बेनिफिट ये हो सकता है, आप एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करना होगा, आप बिना फाइन दिए बिना ब्लैकलिस्ट हुए एम्बेसी की रिक्वेस्ट पे एम्बेसी रिकॉर्ड के हिसाब से आप इंडिया आ सकते हैं। ये आप थोड़ा सा अपने स्तर पर थोड़ी इंक्वायरी आप कर लीजिए लोकल स्तर पर। मलेशिया की तरफ से तो भाई लगभग बैड न्यूज़ ही मैं मानता हूँ, मलेशिया तो सबसे बेकार गवर्नमेंट है। अभी अपडेट जो आ रही है, जैसे बहुत सारे लोगों ने वीज़ा अप्लाई किए थे, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, कहाँ के भी, और ख़ास तौर से इंडियन लोगों के, उनके मैं बता दूँ जैसे वर्क परमिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या फिर A2B वगैरह कोई भी जो वीज़ा थे अंडर प्रोसेस थे, जो ऑनलाइन शो हो रहे थे, वो भाई सब के सब कैंसिल हो रहे हैं। यानी कंप्यूटर पे आप देखोगे तो आपका वीज़ा आपको कैंसिल दिखाई देगा। अब इसमें या तो ये दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो इसमें बग आ गया कि भाई, या फिर इसमें टाइम लंबा होगा, इस वजह से ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में एक्सपायर हो गए, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट ने एक्सपायर कर दिए हैं 2020 में। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट आपको बुलाएगी, क्योंकि मलेशिया के हालात ख़राब हैं, इकोनॉमी डाउन है, और मलेशिया की क्या सब कंट्रियों के ऐसा ही है भाई, जॉब नहीं मिलेगा तो उनको पता है वर्क परमिट हम देंगे कहाँ से, आगे जॉब नहीं मिलेगा, अगर जॉब हैं भी तो वो लोकल अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी देंगे ना, बाहर के लोगों को क्यों बुलाएंगे। तो वो जो वीज़ा ऑनलाइन थे वो एक्सपायर हो रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि 90% गवर्नमेंट ने एक्सपायर किए हैं, वो कंप्यूटर में एक्सपायर शो कर रहे हैं, बाकी हो सकता है 10% ऑटोमेटिक टाइम ज़्यादा निकल गया होगा तो एक्सपायर हो गए होंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि ये बैड न्यूज़ आपके सामने आने वाली है थोड़े टाइम के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं साथियों, जल्दी एयरपोर्ट ओपन होने वाला है दिल्ली में, दिल्ली का तो फाइनल हो गया, बाकी बॉम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र जो मेन जगह है, गोवा वगैरह वहाँ पर हो जाएगा, तो जल्दी आप इंडिया आ सकते हैं। लेकिन भाई बैड न्यूज़ आपके सामने ये है कि टिकटें महंगी होगी। आप जो सोच रहे हो ना कि 10-12 हज़ार में मलेशिया की टिकट मिल जाएगी, 30 से 40 हज़ार के बिना आपको टिकट नहीं मिलेगी, ये तय बात है। मैंने अभी स्क्रीनशॉट देख रहा था गोवा वीबो पे, टिकट आप देख लेना 30-35 हज़ार की तो अभी शो कर रही है, जब फ्लाइट चालू होंगी ना तब देख लेना कितनी महंगी टिकटें होंगी। तो थोड़ा सा टिकट का आप गौर कर लीजिए, जो मलेशिया में बैठे हैं जिनको रहना खाना मिल रहा है और जॉब पे हैं लेकिन अभी लॉकडाउन में बंद है, तो वो जॉब करें, नहीं कि इंडिया भागें, क्योंकि टिकटें महंगी आएंगी। दूसरी बात, आप मान लीजिए वहाँ से आ भी गए तो आपको महंगा इसलिए पड़ेगा कि इंडिया आने के बाद घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम नहीं है कि एयरपोर्ट पर उतरे 7 घंटे में घर पहुँच के, वो सिस्टम नहीं रहेगा। आप एयरपोर्ट पे आओगे, स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, अगर लगेगा तो आइसोलेट कर दिए जाओगे 14 दिन के लिए। फिर आपको गवर्नमेंट अपने स्तर पे आपको किस तरह से ट्रेन से अपने लोकल स्थान तक पहुंचाएगी, लॉकडाउन का टाइम है, साधन की बहुत प्रॉब्लम, तो कंधा बहुत सारा लफड़ा हो सकता है। जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मली में घर आना चाहते हैं कि लॉकडाउन ओपन हो जाए तो चले जाएँ, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। मजबूरी वाले हैं जिनको इंडिया आना ही, वही थोड़ा सोचें, नॉर्मली वाले न सोचें, वहीं रह के आप थोड़ा वेट करें तो आपको इंतज़ार शायद आपको अच्छा आपको लगेगा करना।
इंतज़ार कर लीजिए। मेरे हिसाब से मैं आपको मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, फिर हो सकता है गवर्नमेंट मलेशिया का, तो भाई मुझे तो ऐसे ही गड़बड़ लग रहा है, वो बोल दे कि ठीक है हम 2020 से पहले किसी बंदे को, विजिटर्स को या फिर किसी को अंदर आने एंट्री नहीं देंगे, तो आपका जॉब चला जाएगा, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो थोड़ा इस बात को आप गौर करें। आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड यहाँ पर सही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।